हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 8। फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने टायरसम, और इसका मतलब होता है थकाने वाला। फ्रेंड्स, टायरसम से टायर्ड मींस थका हुआ ही होता है, और टायर मींस थकना ही होता है। तो इट विल बी इजी, बहुत आसान होगा याद करना। टायरसम मींस थकाने वाला। लेकिन फिर भी अगर आप इसको ब्रेक करके करना चाहते हैं तो टायर, टायर होता है ना किसी भी गाड़ी का टायर। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग पूरा दिन टायर चलाते रहते थे, और समटाइम्स हम बहुत ज्यादा थक जाते थे, यानी वो जो काम था वो थकाने वाला था। ठीक है, टायरसम मींस थकाने वाला। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास इमिटेट, और इसका मतलब होता है नकल करना या नकल उतारना। फ्रेंड्स, बचपन में या आपने देखा होगा कुछ लोग किसी की नकल उतारते हैं, या सपोज करो कि हम किसी की नकल उतारते हैं, तो हमारी मम्मी ने, यानी देखिए अम्मी ने हमें टाइट किया, यानी समझाया कि कभी किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। ओके, हमें अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। देखिए, इमिटेट से बोला, अम्मी ने हमें क्या किया, टाइट किया कि किसी की भी नकल मत उतारो। इमिटेट मींस नकल करना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास फॉरबिड, और इसका मतलब होता है मना करना। फ्रेंड्स, आई थिंक ये सबको पता होगा, एक जनरल वर्ड है फॉरबिड मींस मना करना। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरफिट, और इसका मतलब होता है जब्त हो जाना। फ्रेंड्स, फॉरफिट से आप बना सकते हो कि आपने अपने घर को थोड़ा फोर यानी चार फीट आगे बढ़ा लिया, यानी आगे आपने कवर कर लिया, तो सरकार ने फोर फीट आपका जो घर का आगे का जो हिस्सा था वो जब्त कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर बेयर, और इसका मतलब होता है सहन करना। फ्रेंड्स, फोर बेयर से क्या याद आ रहा है, बेयर माने वैसे सहन करना ही होता है, और चार बार आपको सहन करना पड़ेगा, फोर बेयर। ठीक है, फोर बेयर मीन सहन करना। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूबियस, और इसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर संदिग्ध, जिसमें आपको शक हो, शंका हो। देखिए बच्चों, ड्यूबियस से आप बना लो डूबी हुई बस। आप कहीं जा रहे थे, आपने देखा कि नदी में तो एक बस डूबी हुई है, लेकिन आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ शक था। ठीक है, ड्यूबियस से बना सकते हैं डूबी हुई बस, और जब आपने देखा तो आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ संदिग्ध है यहां पर। ठीक है, ड्यूबियस मीन्स अस्पष्ट और संदिग्ध। नेक्स्ट है हमारे पास डिजमल, और इसका मतलब होता है उदास। फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, मम्मी ने आपको कहा कि इस डिस्क को अच्छी तरह से धो, वो साफ नहीं हुई, तो मम्मी ने बोला कि जा और इसको मलमल कर धो, और आप बहुत उदास हो गए कि अब दोबारा से उस डिस्क को धोना पड़ेगा। डिजमल मींस उदास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मौनफुल, और इसका मतलब होता है उदास या फिर दुख भरा। फ्रेंड्स, मोनू नाम का एक लड़का है, वो फुल यानी पूरी तरह से दुख में भरा रहता है या फिर उदास रहता है। मौनफुल मींस उदास या फिर दुख भरा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलेट, और इसका मतलब होता है ठीक करना। फ्रेंड्स, मॉड्यूलेट, मॉडल जो लोग होते हैं ना, जो मॉडल होते हैं वो लेट करते हैं हर काम में। क्यों? क्योंकि उनको सजना संवरना पड़ता है, लेकिन वो ठीक भी करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा दिखना होता है। ओके, मॉड्यूलेट मॉडल जो लेट करते हैं अपने आप को, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा दिखना होता है, तो वो ठीक ही करते हैं। ओके, मॉड्यूलेट मींस ठीक करना। नेक्स्ट है हमारे पास एगोटिस्टिकल, एगोटिस्टिकल मींस होता है घमंडी। फ्रेंड्स, देखिए, ईगो, जिसके अंदर ईगो होता है ना, आप उसको टेस्ट करिए, कल करिए, परसों करिए, जब भी आप टेस्ट करोगे ईगो जो है बढ़ता ही जाता है, यानी वो घमंडी ही रहते हैं। देखो, एगोटिस्टिकल, ओके, इसका मतलब हो गया घमंडी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे सामने ऑडेशियस, और इसका मतलब होता है साहसी। फ्रेंड्स, ऑडेशियस को आप निकाल सकते हैं ऑडी और सास। फ्रेंड्स, आपकी जो सास है ना, उसने ऑडी खरीदी है, ये एक बहुत हिम्मत की बात है, साहस, यानी बहुत साहसी है। इसलिए नहीं तो सोनू, तू बता, किसी की हिम्मत है ऑडी खरीद ले हर वे? ये तो तुम्हारी सास की हिम्मत है, हाँ, साहस है जो ऑडी खरीदी उसने। ऑडेशियस मींस साहसी या हिम्मती। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टिगेट, और इसका मतलब होता है उकसाना। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को उकसाना है ना, तो इंस्टेंट उकसाना है किसी को, तो आपको टी लेकर आओ, उसके गेट पे डाल दो। इंस्टिगेट, इंस्टेंट किसी को उकसाना हो तो टी लेकर आओ, उसके गेट पे डाल दो, और फिर देखिए आराम से वो भड़क जाएगा। इंस्टिगेट मींस उकसाना। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोल, और इसका मतलब होता है सैर यानी घूमना। तो स्ट्रोल से बना लो स्टॉल, स्टॉल पर घूमने जाते हैं ना, स्टॉल टू स्टॉल, स्ट्रोल से आप बना सकते हो आराम से सैर। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरथ्रो, और इसका मतलब होता है उखाड़ फेंकना। थ्रो से आपको पता है ओवर, यानी पूरी तरह से उखाड़ कर और फेंक दिया। ओके, ओवरथ्रो मींस उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट है हमारे पास हॉस्टिलिटी, और इसका मतलब होता है दुश्मनी। फ्रेंड्स, हॉस्टल में एक बार आपने ली थी टी पीने के लिए, और बस कुछ लोग खराब होते हैं ना, हॉस्टल में लड़ाई बड़ी जल्दी हो जाती है, टी पीने पर भी लड़ाई हो गई कि टी ही क्यों पी यहां पे तुमने। ठीक है, हॉस्टिलिटी,
दुश्मनी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पेयर और इसका मतलब होता है निराशा। फ्रेंड्स एक बार एक बहुत अच्छी डिश रखी हुई थी, यानी खाने की एक डिश रखी हुई थी और आपका गलती से पैर पड़ गया, तो आपको बहुत निराशा हुई इस बात की कि गलती से, मतलब बहुत दुख हो रहा है कि मेरे एक खाने की चीज पर पैर लग गया। डिस्पेयर मीन्स निराशा। फ्रेंड्स एक बार आप इन सबको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स चलिए इनको देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिरोगेटरी और इसका मतलब होता है अपमानजनक। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग ट्रीज जो होते हैं पेड़ों को काटते रहते हैं, जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है यानी डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी रोग लग जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि रोग लग जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि फिर ट्री को लगाओ। मतलब पहले आप कितना अपमानजनक काम करके आते हैं और फिर हम ट्री लगाने का काम करते हैं जब हम रोग लग जाते हैं हमको, और डॉक्टर बोलता है, देखिए डिरोगेटरी डॉक्टर बताता है जब आपको रोग लग जाता है तो आपको क्या लगाने पड़ते हैं, ट्री। लेकिन उससे पहले हम क्या काम कर रहे होते हैं, अपमानजनक काम, पेड़ को काटना ही गलत है ना। तो डिरोगेटरी मीन्स अपमानजनक। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास लीड और इसका मतलब होता है मार्गदर्शन करना। बच्चों ये सब लोग जानते हैं कि लीड का मतलब, लीड करते हैं ना आगे, मार्गदर्शन करना, ठीक है, रास्ता बताना। नेक्स्ट है ओवरटर्न मीन्स उलट जाना। फ्रेंड्स ओवरटर्न पूरी तरह से ओवर, और जैसे आप कार चला रहे हो पूरी तरह से ओवर, अगर आपने ओवरटेक करके वो जैसी टर्न की डेफिनेटली कार का उलट जाना तय है, इसलिए संभाल कर चलाइए, ठीक है। तो ओवरटर्न मीन्स उलट जाना। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्विड और इसका मतलब होता है सुस्त या फिर ढीला। ढीले डाले लोग होते हैं ना बिल्कुल लैंग्विड, तो लैग, और अगर गिट्टी लग जाए पैर में तो आपने देखा हो चुभ जाती है तो चला नहीं जाता, देखा है आपने कभी भी, लैंग्विड मतलब लैग में जैसी गिट्टी कुछ लग गई पैर में तो आप लोग ढीले ढाले हो जाते हो सुस्त चलने में, लैंग्विड में सुस्त या फिर ढीला। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रूशन और इसका मतलब होता है घुसपैठ। फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में इंट्रूड कराया था, इंट्रूड मतलब होता है अनधिकार घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना, तो मैंने बताया इंटर में कुछ रूड बच्चे थे ना जो घुस जाते थे, तो ऐसे इंट्रूशन, तो आप इंटर में थे और आपका कोई सन, अच्छा आप इंटर में हो गए तो सन कैसे आ जाएगा, तो किसी और का सन घुस गया, जबरदस्ती घुसपैठ कर दी आपका अगर सन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी चलिए इंट्रूशन मीन्स घुसपैठ। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रोलिंग और इसका मतलब होता है आवारा। फ्रेंड्स स्ट्रोल मैंने यहां पे याद कराया था, देखिए सैर मतलब घूमना और स्ट्रोलिंग इसी से निकला है शब्द, जो आवारा जो घूमते रहते हैं, ठीक है, स्ट्रोलिंग मीन्स आवारा। नेक्स्ट है लेड बैक मीन्स बेफिक्र या फिर शांत लोग, यानी बेफिक्र कोई फिक्र नहीं हो, लेड मीन्स लेटे हुए होते हैं और बैक मतलब टेक लगा के आराम से शांत, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, बेफिक्र लोग ऐसे तो होते हैं घर में बहुत प्रॉब्लम है लेकिन वो लेटे हुए होते हैं बैक मतलब कि अपनी पीठ लगाकर आराम से, ओके लेट बैक मीन्स बेफिक्र या शांत। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सॉन्टर और इसका मतलब होता है बेकार घूमना। फ्रेंड्स आपके पास एक सोने का टर, टर कौन करता है, मेंढक, आपके पास एक सोने का टर है और आप बेकार घूम रहे हो, लोग कह रहे हैं कि सोने के टर को बेच दे और अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर ले, बेकार क्यों घूम रहा है, ठीक है, सॉन्टर मीन्स बेकार घूमना। नेक्स्ट है बच्चों पॉम्पस और इसका मतलब होता है अहंकार, कैसे बनाए पॉम्पस को कुछ आ रहा है इसमें समझ में, मेरे दिमाग में तो आ रहा है जो अहंकारी लोग होते हैं ना उनके अंदर होता कुछ नहीं, पॉम्पस होते हैं वो, बिल्कुल होता कुछ है नहीं है, आपने देखा होगा अंदर से पॉम्पस लग रहा ना फसफस, मतलब अंदर से कुछ भी नहीं होता उनके अंदर, ठीक है पॉम्पस। और तुझे कुछ याद आ रहा है तो पॉम्प एंड शो, पॉपाई तो खैर घमंडी नहीं था, ओके पॉम्पस आप याद कर लेना, अहंकार होता है। नेक्स्ट है ग्रैंडियोस, इसका मतलब होता है दिखावटी। फ्रेंड्स ग्रैनी मतलब ग्रैंडमा को भी बोलते हैं, और आप बोलो ग्रैंडमा देखो ओस तो बोले कि नहीं सब दिखावटी है, ओस पहले वक्त में पढ़ती थी अब तो ओस पढ़ती दिखती नहीं है, कि ओस पढ़ रही है, सब दिखावटी है नकली है, पिक्चर में देख सकते हो, रियल लाइफ में बहुत कम देखा ओस पढ़ते हुए, बारिश पर वो क्या बोलते हैं स्नो पढ़ते हुए आपने देखा होगा, तो ग्रैंडियोस क्या ये दिखावटी। नेक्स्ट है हमारे पास नेगिंग का मतलब होता है शिकायती। फ्रेंड्स आपने देखा कुछ औरतें होती है नागिन की तरह, वो शिकायतें करती रहती हैं, देखिए नेगिंग में शिकायती, जो शिकायत करता रहता है, तो नेगिंग से बना लो नागिन, ओके कुछ औरतें होती है नागिन की तरह, पर शिकायतें करती रहती है, ओके। नेक्स्ट है अफिनिटी और इसका मतलब होता है लगाव। फ्रेंड्स कुछ लोगों में मतलब फ्री बना देते हैं, फ्री पीने की यानी चाय पीने की, टी पीने की लगाव लग जाता है, यानी आदत पड़ जाती है, एक लगाव हो जाता है, या फिर कह सकते हो कि आप किसी को फ्री में एक बार टी पिला दो तो उससे आपका लगाव हो जाएगा या उसका आपसे लगाव हो जाएगा, ये अच्छा लग रहा है, एक दिन आपने
फ्री में टीप ला दी किसी को भी और उससे आपका लगाव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीवंस। ग्रीवंस का मतलब भी शिकायत होता है, तो ग्रीवंस है देखिए बच्चों, एक वंश नाम का लड़का है जो गरीब है, गरीब है वंश नाम का लड़का, लेकिन फिर भी उसको अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ग्रीवंस मीन्स शिकायत। नेक्स्ट है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है अनैतिक। फ्रेंड्स आप बोले फिर रेल में बैठ गया तू, ये बिना टिकट के, ये अनैतिक है, मतलब ये सही नहीं है, ओके। देखिए फ्रेल मीन्स अनैतिक। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने सैंक्टम, और इसका मतलब होता है पवित्र स्थान। फ्रेंड्स सैंक्टम से बना लो सेंट्रम, सेंट्रम है ना हमारा मथुरा के अंदर, न्यू बस स्टैंड के पास एक होटल है ना, वो दिखने में अच्छा लगता है, साफ सुथरा पवित्र ही लगता है, देखा होगा आपने सेंट, लेकिन पैसे बहुत काटते हैं, नहीं मतलब अच्छा होटल है तो पैसे भी लगेंगे। सेंक्टम से आप बना सकते हो सेंट्रम, होटल आप गए और वहां देखा सब कुछ साफ सुथरा पवित्र स्थान है, ओके। सेंक्टम मीन्स पवित्र स्थान। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडेस्ट, और इसका मतलब होता है मामूली। फ्रेंड्स मोटे लोगों को अगर दस्त हो जाए तो ये मामूली बात नहीं है बैठेंगे कैसे वो बार बार, ओके। मॉडेस्ट मीन्स मामूली। नेक्स्ट है हमारे पास हॉबनॉब, और इसका मतलब दोस्ती करना। फ्रेंड्स गौर से देखो हॉबनॉब कुछ अजीब नहीं लग रहा, बिल्कुल नया शब्द लग रहा है, बिल्कुल हॉबनॉब कैसे करोगे इसको भाई, अगर दोस्ती होवे तो कर लो, ना होवे तो नॉब, ठीक है, हो जाए तो होब, ना हो तो नॉब, ओके। हॉबनॉब मीन्स दोस्ती करना। फ्रेंड्स एक बार इनको और देख ले, फिर लास्ट जो लिस्ट है फिर उसको देखेंगे, ओके, टेक योर टाइम। चलो बच्चों इनकोर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने डेविलिश, और इसका मतलब होता है शैतानी। फ्रेंड्स डेविल का नाम आपने सुना होगा, डेविल माने शैतान होता है, और डेविलिश मींस शैतानी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेंट्रिक, और इसका मतलब होता है सनकी। फ्रेंड्स एक संत है और उनके पास कुछ ट्रिक है जो हर सनकी लोगों को सही कर सकते हैं। देखिए एक्सेंट्रिक, एक संत है और उनके पास ऐसी ऐसी ट्रिक है, झाड़ फूक भी करते हैं और जूते से भी भूत उतारते हैं, मतलब जो सनकी लोग होते हैं ना उनका जो पागलपन होता है ना उसको दूर करते हैं, ओके। एक्सेंट्रिक मीन सनकी। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेटफुल मीन्स धोखेबाज। फ्रेंड्स एक बार क्या हुआ था, दीदी बैठी हुई थी और वो अपनी सीट छोड़कर गई, देखिए दीदी सीट छोड़कर गई, तो एक बंदा आया और फूल मतलब पूरी सीट पर बिखर के बैठ गया फैलकर, अब धोखेबाजी तो हुआ क्योंकि उन्हें धोखा दे दिया। कैसे मालूम है आपको? नहीं नहीं ऐसा हुआ था कि हम सब लोग बैठे हुए थे और उसने जो है, चलो छोड़ो बस इतना याद कर लीजिए आप, डिसेटफुल मीन्स धोखेबाज, मतलब उसने धोखा दे दिया, धोखे से हमारी सीट ले ली, सिंपल दीदी की, ठीक है, डिसेटफुल मीन्स धोखेबाज। नेक्स्ट है बच्चों नोटवर्दी, और इसका मतलब होता है ध्यान देने योग्य। फ्रेंड्स गौर से देखिए, नोट कोई चीज को हम नोट करते हैं, और वर्दी का मतलब क्या होता है, किस चीज के लायक, मैंने आपको पहले भी कराया था इसके बारे में, तो नोटवर्दी मीन्स ध्यान देने योग्य, नोट करने योग्य, लिखने योग्य, ठीक है, ओके। नोटवर्दी मीन्स ध्यान देने योग्य। नेक्स्ट है हमारे पास सप्रेस। सप्रेस मीन्स दबाना होता है, आपको पता है प्रेस और सर, सब प्रेस, प्रेस करते हैं ना दबाना, या फिर सर और प्रेस कर रहे हो आप, सिर में दर्द हो रहा है और आप सर को प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, ओके। सप्रेस मीन्स क्या होता है, दबाना। फ्रेंड्स नेक्स्ट है अलीजेंस, और इसका मतलब होता है राजभक्ति या फिर निष्ठा, यानी अपने स्वामी के लिए निष्ठा, जिसको कहते हैं ना निष्ठा, जानते हो समर्थन, समर्थन या निष्ठा उसको बोलते हैं अलीजेंस। तो बच्चों अली नाम का एक बंदा है, वो पहले जींस पहनता है अच्छी तरह से और फिर उसके बाद अपने स्वामी की यानी राजभक्ति या कह सकते हो कि निष्ठा में लग जाता है, समर्थन में, ठीक है। अलीजेंस मींस राजभक्ति या फिर निष्ठा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्टली। बच्चों प्रॉम्प्टली का मतलब तुरंत होता है, ये सभी लोग जानते हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब भी जल्दी होता है, तुरंत होता है, तत्कालिक, ओके, प्रॉम्प्टली मींस तुरंत। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास इवोकेटिव मींस याद ताजा करने वाला, ताजा। तो बच्चों याद ताजा करने वाला यानी कोई भी ऐसी चीज जिसे देख के तुम्हारे तुम्हें पुरानी चीज याद आ जाए उसको बोलते हैं इवोकेटिव। तो कैसे बोलेंगे, देखिए इवो, वो कैट जब टीवी पर आती है ना तो बचपन की आ जाती है, आपने देखा होगा टीवी पर, हम आजकल देखते हैं ना कुछ भी कैट, अच्छा कैट को देखते ही आपको किसी की ना किसी की याद आती होगी, बचपन में हम वो देखते थे टॉम एंड जेरी, हाँ तो टॉम की याद आती थी जेरी की, अच्छा बिल्ली कौन थी उसमें बताओ, याद है? नहीं किसी को भी याद नहीं है, टॉम बिल्ली थी, ठीक है। तो देखिए इवोकेटिव मीन्स याद ताजा करने वाला,
वो कैट जब आप टीवी पर देखते हो ना तो याद दिला देती ना बचपन की, ओके, इवोकेटिव मींस याद ताजा करने वाला। नेक्स्ट है बच्चों इनचांटिंग, इसका मतलब जादुई। फ्रेंड्स कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बिल्कुल सुधरते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुधरते, लेकिन एक जादुई, एक कहते ना एक पैंतरा जादुई, हमारे पापा आते थे और एनचांटिंग एक चांटा देते थे और इतना जादुई असर करता था, एक चांटे में ही सुधर जाता, होता ही नहीं होता बचपन में आके तभी भी एक चांटे में, और इतना जादुई असर करता था कि एक चांटे में सारे बच्चे सुधर जाते थे आराम से, ओके, हमारे टीचर भी मारते थे। हाँ तो एनचांटिंग मीन्स जादुई, जादुई असर करता है, ध्यान रखना। फ्लिपेंट इसका मतलब होता है छिछोरा या फिर बतक्कड़, बतक्कड़ मतलब बहुत ज्यादा जो बात करते हैं ना उनको बोलते हैं, तो कुछ लोग छिछोरे लोग इतनी बात करते हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो खुली पैंट, फिली पैंट से बना लो, खुली पैंट पहना है, मतलब पैंट को ठीक से जिप वगैरह लगाई नहीं है, खुली हुई है, ठीक है, फिली पैंट से खुली पैंट, और छिछोरे लोग इतने बात करने में मस्त है कि उनको होश भी नहीं है, ओके, फिली पैंट मीन्स छिछोरा या फिर बतक्कड़। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वियरी, और इसका मतलब होता है सुस्त या फिर थका। फ्रेंड्स वियरी से आप बना लो, बियर आती ना बियर, जब कुछ लोग बियर ज्यादा पी लेते हैं ना तो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सुस्त, या तो उधर गिर जाते हैं इधर गिर जाते हैं, एक तरफ पड़े रहते हैं, उनसे पूछो कुछ बताते कुछ और है, ठीक है, वियरी मीन्स सुस्त या फिर थका हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास बोस्ट, इसका मतलब डींग मारना। फ्रेंड्स बोस्ट, बूस्ट, कुछ लोग बूस्ट पीते हैं ना, और बूस्ट पीने के बाद बस कह देते हैं कि बस हम तो सचिन की तरह एनर्जी आ गई, सचिन बोस्ट का एड देते हैं, मालूम आपको, एडवर्टीजमेंट करते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी, तो बोस्ट पी यानी बूस्ट पीकर वो बोस्टिंग करते हैं यानी कि डींग मारते हैं, ओके, तो बोस्ट मीन्स डींग मारना। नेक्स्ट बच्चों एमिएबल, और इसका मतलब होता है मिलनसार। फ्रेंड्स जो बंदा आमी को, मैंगो होता है ना, आमी को एबल यानी बल लगाकर खाता है तो समझो कि वो बहुत मिलनसार है। मिलनसार जानते हो? हाँ बिल्कुल पोलाइट, मिलनसार, मिलने वाला, ठीक है, एमिएबल मीन्स मिलनसार। नेक्स्ट है बच्चों सैलियंट, और इसका मतलब मुख्य। फ्रेंड्स हमारे एक दोस्त हैं और उनकी जो साली है उनका मुख्य खेल अंटे खेलना है, सैलियंट, दोबारा समझा देता हूं, हमारे एक दोस्त हैं उनकी जो साली है ना उनका मुख्य खेल क्या है, अंटे खेलना, वो भी गलियों में, सैलियंट मीन्स मुख्य। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोलाइट, बच्चों इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य, जो पोलाइट ना हो, बहुत सिंपल है आपको याद हो जाएगा, इम्पोलाइट मीन्स असभ्य। नेक्स्ट है बच्चों ब्रैग, और इसका मतलब तो डींग, सॉरी डींग या फिर शेखी, डींग सेम बोस्ट का सिनोनियम है ये, तो ब्रैग से बना लो बैग, आपने बोला मैं एक दिन ऐसा आएगा कि बैग भर भर के नोट कमाऊंगा, कुछ लोग होते हैं ना काम कुछ कर नहीं रहे, पढ़ाई कुछ कर नहीं रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं नोट भर भर के पैसे कमाऊंगा, तो मतलब सिर्फ शेखी बघारते हैं या डींग मारते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ये लास्ट कह सकते हैं पैट्रिसाइड, पिता का वध, बड़ा खतरनाक वर्ड है ये तो, पैट्रिसाइड। मैं एक दिन, अभी कल की बात है शायद, कल मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था तो उसमें एक बंदा अपने पिताजी को पटरी की साइड लेके जाता है, वैसे ही लेकर जाता है और वहीं पर उनका वध कर देता है। पैट्रिसाइड मीन्स पिता का वध, हैव डन। चलिए एक काम करिए, एक बार इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे, वीडियो को कई बार देखें, रिवीजन जरूर करें और सारे वर्ड्स आप डिस्क्रिप्शन में से उतार लें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगा, ओके, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।